नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 6 फरवरी 2020, और यहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। जैसा कि डेली बेस पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस, तो देखते हैं दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा उसमें क्या लेवल निकल के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो जरूर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की सबसे पहले इसकी क्लोजिंग देख लीजिए, 12,138 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ सिंपल देख रहे हैं, 48 पॉइंट अप है, यानी 49, राउंड फिगर में कर रहे हैं तो 50, ठीक है, क्लियर कट है। तो दोस्तों, आज का जो क्लोजिंग है, जरा ध्यान से देखिए, 12,138 के पास है, यानी कि लगभग लगभग 40 बोल सकते हैं, और आज का जो ओपनिंग है वो 12,120 है, यानी ओपन ओपन और क्लोज में लगभग लगभग 20 पॉइंट का डिफरेंस है। आपको यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है कि ओपन और क्लोज में कितने का डिफरेंस है, ओनली 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट का डिफरेंस जो है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो हम ये इस प्रकार से यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ओपन और यहाँ इधर ओपन हो गया और इधर क्लोज हो गया, ये ओपन इक्वल टू क्लोज हो गया। अगर ओपन इक्वल टू क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट क्या रहा पूरे दिन भर, मार्केट पूरे दिन भर रहा साइडवेज, ठीक है, पूरे दिन भर साइडवेज रहा। और ये कैसे कह सकते हैं, सिर्फ हवा में कुछ नहीं होगा, कैसे कह सकते हैं इसको, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब आप इसका छोटा टाइम फ्रेम पे करेंगे, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे लेवल बताऊंगा सारी चीज। जैसे कि आप लोग अगर पुराने व्यूअर हैं तो आप तो जानते ही होंगे, मैं कंटिन्यू करता हूँ डेली बेसिस पर, लेकिन हर चीज क्लियर करते हुए। तो देखिए, ये डेली का चार्ट है ना, डेली का चार्ट यहाँ पे साफ सुथरा देख रहे हैं। तो देखिए, ये 15 मिनट, सॉरी, यहाँ मैंने 15 मिनट का चार्ट कर दिया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, बिल्कुल स्टॉक्स जो है एक रेंज बाउंड होकर ट्रेड करता रहा है ना। यहाँ इसने एक हाई पॉइंट बनाया और नीचे की साइड में एक लो पॉइंट को क्रिएट किया। ये आज पूरे 15 मिनट की कैंडल है, आप इसको हटा दीजिए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये बिल्कुल 15 मिनट का कैंडल है, तो बिल्कुल एक साइडवेज जोन में ये ट्रेड करता रहा। इसलिए मैंने कहा कि ये ओपन इक्वल टू क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये मार्केट साइडवेज था पूरे दिन भर, इसको देख के ही आइडिया लग गया। जब ये रेंज में है तो आपको इस रेंज की एक बात है कि हमें इसके हाई या लो के नीचे ट्रेड करना होता है। लेकिन चलिए, हम लोग लेवल को ध्यान में रखेंगे, इंट्राडे को भी चार्ट को देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग डेली पे देख लेते हैं कि डेली पे ये क्या क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग क्रिटेरिया पे। देखिए, अब हमारे पास क्या निफ्टी का लेवल निकल के आया, कल के एनालिसिस के हिसाब से हमने कहा था कि निफ्टी जो है 12,150 से लेके 12,160 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करना फिलहाल तो पॉजिटिव मुश्किल लग रहा है ना, फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल वही हुआ कि आज का जो हाई है 12,160 है, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैंने बिल्कुल 12,150 से 160 का एक हाईली रेजिस्टेंस बताया था, और आज इसको हाई बिल्कुल 12,160 का ही लगाया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 12,100 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है ना, 12,100 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा तो मैं मान के चलूंगा कि ये अब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी भी हमारे पास वो रेजिस्टेंस अवेलेबल है, कितना, 12,160 का, ठीक है, 12,160 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमारे पास अभी भी ये अवेलेबल है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अगेन, कितना का रेजिस्टेंस है, 12,160 का, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। अब मान लेता हूं कल निफ्टी इसी प्राइस के आसपास कहीं ओपन होता है, 12,137 है यानी कि क्लोजिंग है, तो हम मान के चलते हैं कि निफ्टी कल जो ओपन होगा वो 12,140 के आसपास ओपन होता है। ये हम मान लेते हैं कि 12,140 के आसपास निफ्टी कहीं ओपन हो रहा है। अगर ये 12,140 के पास निफ्टी ओपन हो रहा है तो फिर हमारे लिए क्या कंडीशन बनेगा, देखिए, अगर ये 12,140 पर ओपन होता है, ठीक है, 12,140 पे ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी, ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये 12,140 के आसपास में कहीं ओपन होता है, आज की क्लोजिंग है 12,137 के पास में, तो अगर 12,140 के आसपास कहीं ओपन होता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये ओपन होता है और इस तरह 12,140 है ना, 12,150 इस तरह से, 40 के बाद 50 इस तरह से अप साइड में जाता है, 12,150 इस तरह से अप साइड में जाएगा, तो आपको पता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पहले से हमारा रेडी है, और वो रेजिस्टेंस लेवल कितना है, 12,160 का, वो रेजिस्टेंस लेवल कितना है, 12,160 का। तो अगर ये निफ्टी ऊपर के साइड में इस तरह से जाता है, एक मिनट दोस्तों,
क्योंकि 12,160 बिल्कुल नियर है, इसके लेवल के पास में है 12,160। हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस लेवल के पास अगर ये ओपन होता है 12,140 के पास में, और इस तरह से ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से पॉजिटिव मूवमेंट के लिए आप बना सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो। लेकिन टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12,160 अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश करे तो एक टारगेट ये होगा, और दूसरा 12,175 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो सेफ ट्रेडर कहाँ पे पोजीशन बनाएगा, 12,160 के ऊपर में, जब इसके ऊपर ये ब्रेक होके सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, यानी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में। जब ये 12,160 के ऊपर में वो ट्रेड करने लग जाएगा 15-20 मिनट, तब हमारे पास रास्ता अपसाइड का बनेगा। यानी कि वो अपसाइड का कितने का रास्ता बनेगा 12,160 के ऊपर, आप जरा ध्यान से देखिए, इस कैंडल का जो हाई है वो 12,000 इस कैंडल का हाई, ठीक है, 12,170 है आपको, मैं अगर नहीं वहां पे आपको देखना है तो 12,170 है। यानी जब 160 के पास जाएगा तो 170 ये बहुत ही नियर है, तो जब ये 160 के ऊपर निकल जाएगा हमारे लिए एक सेफ पोजीशन बनेगा, और जो हमारा टारगेट आएगा वो 12,170 से लेके 12,185 तक का मिल सकता है इस कंडीशन में। इसके ऊपर हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे 12,185 के टारगेट के लिए, ज्यादा का टारगेट के लिए नहीं। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो 12,200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो हमारा एक टारगेट अचीव कर सकता है निफ्टी। अगेन मैं बता रहा हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 12,160 के बाद 170 बहुत नियर है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जोश में आके या उत्साहित होकर ले लेना है, हमें वेट करना है कि ये 12,160 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, फिर 12,170, 12,185 और 12,200 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये 12,140 पे ओपन होकर अगर ये नीचे की साइड में आता है, अगर ये नीचे की साइड में आता है तो हमारे लिए कितने का पोजीशन बन सकता है, आप देखिएगा। बिल्कुल आप यहाँ पर एक लो पॉइंट इसने लगाया हुआ था, ये एक लो है 12,084 का, तो कहीं ना कहीं ये इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये 12,140 इस तरह से नीचे की साइड में आता है, 130 इस तरह से अगर वो नीचे की साइड में आने की शुरू कर कोशिश करता है, तो हमारा जो टारगेट होगा पहले 12,100 का टारगेट होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है ये, 12,100 का एक टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट कितना होगा 12,080 का टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज किया हुआ है निफ्टी ने, जो सॉरी जो लो लगाया वो निफ्टी ने, वो हमारा यहाँ पर एक टारगेट हो सकता है नीचे की साइड में। तो अगर निफ्टी आज के क्लोजिंग के आसपास ही कल ओपन होता है तो ये दो कंडीशन आपके लिए बनेंगे बाय और सेल का। अब हम अगर गैप अप और गैप डाउन की बात करें, मैं फिर इंट्राडे वाले चार्ट पे भी आऊंगा, फिर उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले अब गैप अप और गैप डाउन समझ लेते हैं, आपने नॉर्मल कंडीशन समझ लिया, अब गैप अप और गैप डाउन की अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अब मान लेता हूँ कि हमारा निफ्टी क्लोजिंग है 12,140 के आसपास में, अरे ये गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन हो जाता है सीधा सीधी 12,170 पर, है ना। मान लेता हूँ ये गैप अप ओपन हो जाता है 12,170 पर, ये गैप अप ओपन हो जाता है। चलिए हम गैप अप की कंडीशन को देख लेते हैं, गैप अप, गैप अप, अगर ये 12,170 के पास में कहीं ओपन हो जाता है, अगर ये 12,170 पर ओपन होता है तो इसका मतलब ये इस लाइन के पास ओपन हो रहा है, ठीक है, इसका इस लाइन के पास ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से अगर ये ओपन होता है, मैं इसको अगर ठीक से करना चाहूँ, चलिए एक लाइन लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर छोटा सा, 12,170 पे ये ओपन हुआ, इसका मतलब अगर इसके, अब यहाँ पे क्या है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमारा एक ऊपर की साइड में जो आता है रेजिस्टेंस जोन, वो है 12,200 का, ठीक है, 12,200 का, उसको वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 12,170 के पास ओपन होगा और ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस तरह से, देखिए ये 12,170 का लेवल है, 12,170 का लेवल है, और निफ्टी यहाँ पे ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, एक ग्रीन कैंडल बनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये अपसाइड में इस तरह से जाएगा तो एक बाय का पोजीशन बनेगा अगर इसके हायर हाई को ब्रेक करता है तो। फिर टारगेट हमारा होगा 12,200 का, 12,200 के पास दोस्तों आपको निकलना होगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आपको जाके प्रॉफिट बुक करना होगा, और वहां से अगर हो सका तो फिर एक सेल का पोजीशन बन सकता है वापस से 12,170 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर एक रेड कैंडल बनती है, ओपन होता है रेड कैंडल और उसके लोअर को ब्रेक करता है, सपोज मान लेता हूँ, तो ये इसका मतलब ये नीचे की साइड में आने की कोशिश कर सकता है, मे बी, जरूरी नहीं कि आ जाए, मे बी वो आ सकता है नीचे, है ना। तो अगर ये 12,170 पर ओपन होके, गैप अप ओपन होके नीचे की साइड में इस तरह से लेवल आएगा 12,160, 12,100,
55 इस तरह से नीचे की साइड में आता है। तो आपको पता है कि जब इस तरह के लेवल आएंगे तो हमारा जो क्लोज किया हुआ है 12,140 के आसपास का, उसको वो सबसे पहले टेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको सबसे पहले वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट निकलेगा वो क्या टारगेट निकलेगा, यही 12,130 का राउंड फिगर में आप ले सकते हैं, 12,130 का आप एक राउंड फिगर में टारगेट ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं। तो हमारा इस तरह से नीचे आया तो टारगेट कितना आ गया, टारगेट वही आया 12,130 का। सॉरी दोस्तों, टारगेट आएगा 12,130 का, एक टारगेट आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। 12,130 का एक टारगेट आप यहां पर से ले सकते हैं। अगर इसके नीचे भी आ जाता है, सपोज इसके नीचे निकलता है, तो हमारा फिर दूसरा टारगेट होगा कितना, 12,100 का। क्लियर है? अगर ये 12,170 पर ओपन होता है, नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा, 12,160 ब्रेक कर दे, 12,155 ब्रेक कर दे, यानी 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए, तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो 12,130 का, दूसरा टारगेट 12,100 का बन सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है 12,170 पर और ये नीचे की साइड में नहीं आके ये अप साइड में जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको तो मैंने बताया कि यहाँ 12,200 का एक जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश करेगा हमारा निफ्टी 50 का जो है इंडेक्स। तो ये हुआ हमारा सेल का कंडीशन। गैप अप के कंडीशन में अगर उसको नीचे की तरफ में आएगा तो 12,100 तक का टारगेट हो सकता है, 12,130 का भी टारगेट हो सकता है, और अगर 12,170 के पास ऊपर जाता है ओपन होके, तो फिर 12,200 का एक टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि वो एक रजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल लेवल का। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप के बाद अगर हम गैप डाउन की बात कर ले कि गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, तब क्लोजिंग है 12,140 के आसपास, यानी 37। हम मान लेते हैं ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो जाता है और सीधे सीधी ओपन हो गया 12,100 पे, ठीक है, क्लोजिंग इतना पे 30-40 पॉइंट नीचे ओपन हो गया 12,100 पे अगर ओपन होता है। तो जब ये 12,100 पे ओपन होता है, आप ध्यान से देखिए, जब ये 12,100 पे ओपन होता है तो कहीं जो इसका ये है 12,084 का जो इसने लो लगाया हुआ था, उससे हमारा जो ये ओपन है कितना का पड़ रहा है, बिल्कुल 15 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि हम वेट करेंगे, उस पर कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है कि कहीं इसके नीचे निकल के ये अपने प्रीवियस लो को तो टेस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि 12,080 के पास तो नहीं आ रहा है। अगर ये 12,080 के पास आ रहा है और वहां से जब ये बाउंस लेगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। ये हमारा है 12,100 का लेवल और प्रीवियस लो हमारे, हमें ये पता है कि 12,084 का लगा हुआ है, यानी आज का जो लो है वो 12,084 का। अब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करने, 15 पॉइंट का तो डिफरेंस है। हो सकता है ये इसको इस तरह से बड़ी कैंडल लगा के सीधा सीधी अचीव कर ले। जब ये अचीव कर लेगा ना, और यहाँ पर से ये जब ये बाउंस करेगा, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन कर, जब ये इस तरह से बाउंस करेगा तो बाय का पोजिशन बनेगा। फिर बाय का पोजिशन बनेगा तो पहला जो टारगेट हमारा होगा वो हमारा पहला ही टारगेट 12,100 का हो जाएगा, या 12,120 का टारगेट होगा पहला, और दूसरा टारगेट होगा 12,140 का। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये 12,080 के नीचे क्लोज कर देता है, सपोज अगर ये 12,080 के नीचे भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो सेल का होगा 12,050 के टारगेट के लिए, गैप डाउन वाले कंडीशन में, निफ्टी में। ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है गैप अप गैप डाउन में। अब देखिए, अगर हम फिबोनाची के लेवल को लगा के चेक करना चाहें, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आपके फीडबैक से काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए अब हम लोग फिबोनाची का लेवल लगाते हैं। देखिए फिबोनाची का लेवल जैसा कि बिल्कुल उसके हिसाब से भी ये काम करता हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं इधर से कंटिन्यू फिबोनाची पे भी आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो ये हमने एक लो पॉइंट पकड़ा, एक हाई पॉइंट पकड़ा, पूरे जहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके बाद यहाँ हाई लगा के नीचे आया था। अब ये क्या बता रहा है, देखिए अब ये क्या बता रहा है कि अभी भी ये फिबोनाची का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 0.236, यानी कि 12,014, और ऊपर की तरफ जीरो जो है 12,428 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन में। अभी हमारे पास फिबोनाची के हिसाब से अनडिसीजन वाली बात है, फिबोनाची के हिसाब से अनडिसीजन वाली बात है। क्या अनडिसीजन वाली बात है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे भी ये अपसाइड को भी जा सकता है, डाउन साइड को भी जा सकता है। अगर अपसाइड जाना होगा तो इसको सबसे पहले ब्रेक करना होगा 12,170 को, फिर हमारा लेवल आएगा 12,300 तक का, ठीक है, 200 और 300 का ये लेवल आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है 12,080 को, तो फिर ये नीचे 12,014 का जो लेवल है 0.236% उसको वो टेस्ट
कर सकता है फिबोनाची के हिसाब से। अब देखिए इसी चार्ट को हम लोग जरा इंट्राडे में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है इंट्राडे में आज जो है ये बिल्कुल साइडवेज था, तो हम लोग चलिए इंट्राडे के चार्ट पे करते हैं कि अगर आपको बहुत फास्ट मूवमेंट कैच करना हो, आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे। तो हमने इंट्राडे में कन्वर्ट कर दिया 15 मिनट के चार्ट में। अब देखिए ये बन गया है साइडवेज, है ना, ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया। यहाँ देखिए बिल्कुल इसने एक हाई पॉइंट बनाया है और बिल्कुल इसका एक लो पॉइंट बनाया है, यहाँ भी देख लीजिए। यानी कि ऊपर की साइड में 12,160 जो लेवल मैंने बताया था कि अगर ये 12,160 के ऊपर निकलेगा तो बाय पोजिशन बनेगा। 12,100 कितने के टारगेट के लिए, 85 के टारगेट के लिए और 200 के टारगेट के लिए, ठीक है ना। याद आया कि 12,160 को ब्रेक करेगा तो 170 दूसरा पहला वाला जो नजदीकी रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगा, फिर 12,185 और 12,200 तक का टारगेट। नीचे की साइड में अगर ये 12,080 को ब्रेक कर देता है तो फिर सेल का लेवल एक्टिवेट होगा जो 12,050 तक को लेकर आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको इंट्राडे वाले चार्ट पे भी दिखा दिया करके। तो ये वो निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। इसके अलावा अब हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे है, तो चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम लोग। इसको अब बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं डेली बेस पर, और ये लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों, अगर अकाउंट ओपन कराना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, अपना नाम ईमेल आईडी फिल करेंगे, फायर्स वाले कॉल कर लेंगे या ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन हो जाता है इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 31,300 के आसपास की है। ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग किया हुआ है 31,300 के पास के क्लोजिंग है, और जो ओपन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ओपन है 31,070 के आसपास, यानी ओपन क्लोज अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसने जो हाई पॉइंट लगाया, इस बात को ध्यान दीजिए, इसने जो हाई पॉइंट लगाया वो 31,470 से लेकर 304 का इसने क्लोज किया, यानी कि लगभग लगभग कितना पॉइंट लूज किया है, वो 150 पॉइंट को मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ, 170 पॉइंट है ना, 170 पॉइंट लगभग लगभग इसने माइनस कर दिया, घटा दिया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई है, खैर कोई बात नहीं। लो लगाया है, लो जो लगाया है वो 30,917 का लो लगाया हुआ है, 30,917 का। अब देखिए ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन को काफी अच्छे से, यहां पे आप देखिए ये प्रीवियस कैंडल का रेजिस्टेंस, इसका हाई पॉइंट मार्क करेंगे 31,375, इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे इस कैंडल का 31,450, आज का हाई मार्क करेंगे 31,470, यानी इस रेजिस्टेंस जोन को जो 31,450 था उसको ये ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट तो कर दिया लेकिन गड़बड़ी क्या किया कि क्लोज नहीं किया, है ना, क्लोज करना चाहिए था, क्लोज करना चाहिए था इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, यानी 31,450 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। हाई तो लगाया था 470 लेकिन क्लोज नहीं किया, अगर क्लोज करता तो ज़्यादा अच्छी बात होती, कम से कम इस कैंडल का भी जो हाई है 31,375 का जो हाई है उसके ऊपर भी अगर ये क्लोज करता ना तो बहुत अच्छी बात हो जाता है। क्लोज क्या है 31,300 पे, यानी कल अगर ये 31,300 के आसपास ओपन होता है, एक कंडीशन लेते हैं, अगर ये 31,300 के आसपास मान लेते हैं जहां पे आज क्लोज है वहीं के आसपास ये कहीं ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। हम ओपन अगर ये 31,300 के पास में होता है दोस्तों, यानी इसी प्राइस पे कहीं ना कहीं ये ओपन हो गया, 31,300 के पास में अगर ये ओपन हो गया तो आप देखिए बिल्कुल इसके अपर में ही एक रेजिस्टेंस है, वो है 31,300 कितने का, 60 का, 31,360 का एक रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और दूसरा जो आज का हाई है 31,470 का हाई है उसको वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब, जब वो पहले अचीव करेगा 31,360 का, ठीक है, 31,360 को अचीव करेगा तब, यानी इस लेवल पे ओपन होगा और ये अप साइड में जाएगा तो 31,360 यानी 60 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और दूसरा इसमें 40 पॉइंट ऐड करेंगे तो साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा 31,400 का। ये एक दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर ये 31,300 पे ओपन होके अप साइड में जाता है, 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए तो फिर हमारा 31,360 और 31,400 का टारगेट बनेगा। अगर ये 31,450 के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, 31,450, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो हमारा है ये 31 कहाँ गया, ये इस कैंडल का हाई 31,450 ही है, अगर उसको वो ब्रेक करता है तो फिर हमारा अगला टारगेट 31,500 तक का भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे दो तीन लेवल बने इस लेवल पे ओपन होने पर, अगर 31,300 के पास में कहीं ओपन होता है तो, अगर उसको ओपन होके अगर 31,300 पे ओपन होके ये अप में नहीं जाता है,
डाउन में आ जाता है, फिर क्या करेंगे, फिर सेल का कंडीशन बनेगा, लेकिन तुरंत से नहीं बनाएंगे सेल का कंडीशन। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेल के साइड में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इसको देखिए, यहाँ पे इसको सपोर्ट भरा पड़ा है, ठीक है। पहले तो इस कैंडल का हाई है 31,230 के आसपास का, यानी ये कहां पे आने की कोशिश करेगा, सबसे पहले ये कहां आने की कोशिश करेगा, या 31,230 के तरफ। जब ये 31,300 के पास ओपन होगा और नीचे की साइड में आएगा, इस तरह से 31,300 पे ओपन हो गया, फिर 290, 280 इस तरह से अगर ये नीचे आया तो ये हमारा अगला जो टारगेट अचीव करेगा, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे तब, और टारगेट हमारा होगा 31,230 का। ये एक टारगेट आप ले सकते हैं 31,230 का, 31,230 का ये हमारा टारगेट होगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 31,200 तक का एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको मिल सकता है देखने को टारगेट, ये नॉर्मल कंडीशन में। इसको भी हम गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से अगर देखना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या होगा। अब मान लेता हूँ गैप अप में ओपन होता है 31,300 पे, क्लोज कर रहा है, गैप अप में ओपन हो जाता है 31,350, सपोज ये हो जाता है 31,350 पे ओपन हो जाता है गैप अप, ओपन हो जाता है गैप अप। तो यहाँ पे 31,350 आपको तो ये पता ही है, ये जो हमारा 31,000 कितना इसका है ना, इस कैंडल का हाई है ना 31,375। तो अगर ये इस लेवल पे ओपन होता है 31,350 पे, तो जाहिर सी बात है इस कैंडल के हाई को एक बार वो टेस्ट करेगा, यानी 31,375 को वो टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे से आपको 25 पॉइंट, बहुत रिस्की ट्रेडर है तो 25 पॉइंट के लिए आप पोजिशन बना सकते हैं, ओनली 25 पॉइंट। जब इसके ऊपर निकल जाएगा, यानी 31,375 को भी अचीव करके अप साइड में ब्रेक कर देगा, तो फिर हमारा 31,400 का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल पे ओपन होके वो ऊपर नहीं नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है 31,300 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग है। ये हुआ गैप अप वाले कंडीशन में। गैप डाउन वाले कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये 31,250 पे ओपन हो जाए, है ना, नीचे की साइड में ओपन हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो अगर 31,250 में ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये प्राइस सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से अप साइड जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो अगर ये 31,250 के पास ओपन होता है तो 10-20 पॉइंट नीचे आ सकता है, हो सकता है 31,230 को एक बार टेस्ट करे और 230 के पास से एक बाउंस करेगा, फिर हमारा एक टारगेट देगा वो 31,300 तक का उस कंडीशन में। क्लियर है, अगर 31,250 के पास ओपन होता है वेट करेंगे, ये हो सकता है एक बार लेवल जो है इसका 31,230 को टेस्ट करे और वहां से फिर एक बाउंस करेगा तो 31,300 तक का एक टारगेट दे सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपना प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि क्या क्या संभावना हो सकती है कल। लेकिन अगर ये 31,230 के नीचे भी निकल गया तब हमारा टारगेट 31,200 का सेल साइड का ही टारगेट होगा और फिर हमारा 31,180 का भी टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। अब दोस्तों ये हुआ हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जरा इंट्राडे के लेवल से अगर हम लोग चेक करने के स्टार्ट करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग इंट्राडे में चले जाते हैं, तो फिर क्या लेवल निकल के आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए वेट करते हैं आगे चार्ट। और हाँ, अब देखिए हमारे पास इंट्राडे के जो लेवल निकल के आ रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये पहले तो इस कैंडल ने नीचे आया, जैसे ओपन होता है फिर नीचे आता है, उसके बाद अपसाइड गया फिर ये नीचे आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है इस बात की, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ये नीचे आया फिर अप गया फिर ये नीचे आया, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बनती है ना, यानी इसके ऊपर जब निकलेगा, इस पॉइंट के ऊपर, तभी हमारा एक बाय का पोजिशन बन सकता है ना, यानी 31,460 के ऊपर जब निकलेगा तो ही पोजिशन बनेगा 31,500 के टारगेट के लिए। हो सकता है यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस ले 31,450 के पास आके वापस से गिरे, तो फिर हमारा 31,400 तक का लेवल और 31,350 तक का लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ व्यू, कुछ मेरा अपना प्रोबेबिलिटी जो मैं समझ सकता हूँ चार्ट को देख कर, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना डेली बेस पे जो करता हूँ बिल्कुल वही चीज़ करके दिया मैंने आप लोगों को। वीडियो पसंद आया दोस्तों अपना कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।